अब नए अंदाज में न्यूज तक। मैं हूं निधि, यहां समझिए हर खबर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2022 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन की तैयारी चलने लगी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के आखिर में आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन होगा, लेकिन इससे पहले मौजूदा 8 टीमों को अपने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिलेगा, जबकि ऑक्शन पूल में आने वाले खिलाड़ियों में से 2 नई फ्रेंचाइजियों को भी कुछ खिलाड़ी मिल सकते हैं। लीग के 15वें सीजन के लिए रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी को लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही थी कि क्या वो आने वाले आईपीएल में खेलेंगे या नहीं। बता दें 2021 के आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ही थी। अब खबरों की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स ने थाला को रिटेन कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने धोनी को अगले 3 साल के लिए रिटेन करने का फैसला लिया है, यानी कि धोनी ऑक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। धोनी के अलावा रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ को भी रिटेन करने की खबर आ रही है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों में से मोइन अली को रिटेन किया जा सकता है। बीसीसीआई सचिव जय शाह का कहना है कि अगला आईपीएल भारत में होगा और इसी को मद्देनजर रखते हुए सीएसके अच्छे स्पिनर को रिटेन करना चाहेगी। इस खबर से समझा जा सकता है कि चिन्नाथाला यानी सुरेश रैना को रिलीज कर दिया गया है। व्यक्तिगत कारणों से आईपीएल 2020 से बाहर होने के बाद रैना ने इस सीजन में सीएसके के लिए शानदार अर्धशतक से जोरदार वापसी की। हालांकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा उनके बल्ले से रन निकलने कम होते गए। रैना अपनी फॉर्म को फिर से हासिल करने में नाकाम रहे और आखिरकार उनकी जगह रॉबिन उथप्पा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया था। अब आपको बताते हैं कि खिलाड़ियों को रिटेन करने की पॉलिसी या फिर नियम क्या है। मौजूदा 8 टीमें 4-4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं। अधिकतम 3 भारतीय या अधिकतम 2 विदेशी खिलाड़ी रिटेन किए जा सकते हैं। अगर आप 3 भारतीय चुनते हैं तो एक ही विदेशी खिलाड़ी को रिटेन करने का मौका होगा, जबकि 2 विदेशी खिलाड़ियों के चुनने पर फ्रेंचाइजी 2 ही भारतीय खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़े रख पाएगी। हालांकि नई टीमों को सिर्फ 2 भारतीय और 1 विदेशी खिलाड़ी चुनने का मौका दिया जाएगा, जो कि ऑक्शन पूल में शामिल होंगे। एक टीम के पास कुल 90 करोड़ रुपए होंगे। पिछली बार ये 85 करोड़ रुपए था। फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को रिटेन करने या न करने पर इसी 90 करोड़ में से तय रकम कटेगी। किसी फ्रेंचाइजी के 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर उनके पर्स से 42 करोड़ रुपए कट जाएंगे। 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर 33 करोड़, 2 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर 24 करोड़ रुपए और 1 खिलाड़ी को रिटेन करने पर फ्रेंचाइजी पर्स से 14 करोड़ रुपए कटेंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।